नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें। तो इस ट्राइंगल में कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, विद AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स एग्जिस्ट, ऐसी कितनी ट्राइंगल क्या है संभव है। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB 7 सेंटीमीटर है और जो BC है वो आपकी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको ये बतानी है कि ऐसे कितनी ट्राइंगल क्या हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, जो एक तो वो क्या हो, समद्विबाहु हो, आइसोसेलस ट्राइंगल हो और जिसकी दो साइडें हमेशा क्या रहें, ये रहें। तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले ट्राइंगल से रिलेटेड आपको एक छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल तभी एग्जिस्ट करेगी जब उसकी कोई भी दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इवन वो इक्वल भी नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, हमेशा बड़े होने चाहिए। दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो साइड का जो डिफरेंस है ना वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सम जो है वो बड़ा होना चाहिए और डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब तभी वो ट्राइंगल क्या होएगी, एग्जिस्ट करेगी, वो ट्राइंगल तभी बन पाएगी, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 3, 4, 5 ये ट्राइंगल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है क्योंकि 4 + 3 7 ओके है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 + 3 8 जो है वो 4 से बड़ा है, ओके है, और 5 + 3 8 जो है वो क्या है, 4 से बड़ा है, तो और 5 + 4 9 जो है वो 3 से बड़ा है। सारों सबका सम जो है वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है। किसी भी दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो ये ट्राइंगल है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपके पास 2, 2 और 4 है, क्या ये ट्राइंगल है, तो आप कहेंगे ये ट्राइंगल नहीं है क्योंकि नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 4 + 2 6 ओके है, ग्रेटर देन है, 4 + 2 ओके है, ग्रेटर देन है, लेकिन 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया, जो कि इक्वल टू आ गया। और मैंने क्या कहा कि दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, इवन इक्वल भी नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल भी हो गया या छोटा भी हो गया तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगी। कब बनेगी, जब दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। समझ आ गई तो अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। एक ट्राइंगल ABC है आपके पास, ठीक है, ABC, आपने कहा AB 7 सेंटीमीटर है, ओके ये फिक्स है, और BC जो है वो आप कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, और ये ट्राइंगल कौन सी है, आइसोसेलस। आइसोसेलस का मतलब है दो साइड इक्वल होंगी। अच्छा, दो साइड इक्वल क्या हो सकती है, अगर ये 7 है तो हो सकता है ये 7 होगी, तभी तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल बनेगी, समद्विबाहु त्रिभुज तभी बनेगी ना जब दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये 7 है तो हो सकता है ये 7 हो, या तो ये 7 है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्या हो, 13 हो, तभी तो ये क्या बनेगी आपकी, आइसोसेलस ट्राइंगल बनेगी। आइसोसेलस ट्राइंगल क्या बनेगी, जब दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। 7, 13 उसने कहा ये फिक्स है कि ये 7 है और ये कितने हैं, 13 है, ओके ये 7 ये 13 फिक्स है, तो ये जो थर्ड साइड है या तो ये 7 हो सकती है या ये क्या हो सकती है, 13 हो सकती है, या तो ये 7 हो सकती है या क्या हो सकती है, 13। अब जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्राइंगल बन रही है नहीं बन रही है, तो देख लेते हैं। 7 + 7 तो आपने कहा 14, 13 से ग्रेटर ने, ओके 13 + 7 जो हो गया वो हो गया आपका 21, 7 से ग्रेटर 13 + 7 21 से ग्रेटर, यानी कि ये तो ट्राइंगल बन रही है भाई, ठीक है। इसका भी चेक कर लेते हैं, 13 + 13 कितना हो गया आपका 26, 7 से बड़ा है, 13 + 7 21 ग्रेटर है, और 13 + 7 जो है 13 से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि ये भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ है, या तो ये दोनों साइड इक्वल हैं या ये दोनों साइड इक्वल हैं, और ये दोनों भी क्या बना रही हैं आपकी, ट्राइंगल बना रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो आंसर है इसकी, जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो कितनी है, 2 है, कितनी है, 2 है, तो आंसर है 2। फॉर एग्जाम्पल ये 3 होता, कितना होता, 3 होता, तो अब आप मुझे बताएंगे कि कितनी ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल है, अगर आपको समझ आ गया। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।